टीम इंडिया भिड़ने वाली है आयरलैंड से 5 तारीख को, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर कोई चीज बना रही है तो वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 9 तारीख को खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने मीडिया से बात करी और अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए वो नजर आए। बिल्कुल, जहां तक ऋषभ पंत की बात है तो उन्होंने कहा है कि ये जो है वो स्पेशल मैच होने वाला है, और जहां तक इंडिया पाकिस्तान मैच की बात है तो भाई प्रेशर जो है वो हर प्लेयर पर बराबर होता है। बिल्कुल, पंत ने क्या कुछ बोला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनका कहना है, इट इज ऑलवेज क्वाइट एक्साइटिंग बिकॉज इट्स अ स्पेशल मैच, यू ऑलवेज फील मोर प्रेशर बिकॉज पीपल रिमेंबर दीज मैचेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, जहाँ तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात है तो स्क्रीन पर मैं आपको फटाफट जो है वो रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया जो है वो एक बार वर्ल्ड कप में हारी है और हमेशा जिस जो है वो जीतती हुई नजर आई है। और जहाँ तक हार्दिक पांड्या की बात है तो उनको लेकर भी बात करेंगे कि किस तरह से हार्दिक पांड्या जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका भी कमबैक हुआ है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ इंजर्ड हुए थे और अब एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। और बात यहाँ पे बांग्लादेश से हम कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस मैच जो खेला गया है बांग्लादेश के खिलाफ ही खेला गया था, अच्छी खासी यहाँ पे जो है पारियां देखने को हमें मिली, फॉर्म देखने को हमें मिली, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जो है वो अपने आप ही इसी बात से डेवलप हो जाती है कि जब यहाँ पे अच्छा खेला है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि देयर इज अ क्राउड एवरीवेयर यू गो, आई एम श्योर दिस ग्रुप एज वेल, एवरीवन वांट्स टू मेक श्योर वी शुड विन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम, और ये जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है। बिल्कुल, और ये भी कहते हैं, विच आई एक्सेप्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आई डू माई बेस्ट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स एंड फोकस ऑन द स्पोर्ट। बिल्कुल, हार्दिक की बात करी जाए तो उनकी लाइफ जो है वो ऑन एंड ऑफ चल रही है, क्योंकि कभी इंजर्ड होते हैं, फिर आईपीएल में वापस आते हैं तो लोग फैन जो है वो उनकी बूइंग करने लगते हैं, फिर इंडियन क्रिकेट टीम में आते हैं तो लोग उनका सपोर्ट करते हैं, तो उम्मीद तो यही करेंगे कि जिसको आईपीएल में बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया गया अब वही कहीं ना कहीं स्टार बनकर निकले और टीम इंडिया को एटलीस्ट ये वाली जो ट्रॉफी है 2024 वाली ये तो कम से कम घर लेकर। देखिए, हार्दिक पांड्या के पास बहुत अच्छा मौका है कि इतनी बूइंग उनकी हुई है, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का उन्होंने सामना किया है कि जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, जितना भी अग्रेशन था वो फील्ड पे आके दिखा सकते हैं। ये भी कह रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फैंस, दे कम एंड सपोर्ट अस विद ऑल लव एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी गो इनसाइड देयर वी कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, संजू सैमसन की बात करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है ये उनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं माइंडसेट भी है, क्योंकि ऋषभ पंत को अगर हम देखें तो उन्होंने ये तो कहा कि मैं टीम इंडिया में वापस आया हूँ, जर्सी पहन रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है, लेकिन संजू सैमसन सिर्फ इस बात से खुश है कि वो टीम इंडिया में वापस आ चुके हैं, मुझे तो कोई सेंस लग नहीं रहा है। देखिए, आप वापसी कर चुके हैं लेकिन अगर आप प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है तो आपके वापसी करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ संजू सैमसन का क्या मानना है। It was a huge thing, one of the best things that could ever happen to my career. और यहाँ पे मैं बता दूँ कि सिर्फ महज प्लेइंग 15 में T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने पे इतने ज्यादा खुश हो गए हैं संजू सैमसन। बिल्कुल, तो देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि विराट और रोहित ओपन करेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी फिलहाल काफी ज्यादा, वैसे आयरलैंड के खिलाफ पता चल जाएगा कि टीम इंडिया कुछ ऐसी ही रहने वाली, हालांकि चेंजेस जो है वो जरूर हमें देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात है तो कई सारे लेजेंड जिसमें श्रीसंत भी हैं वो ये कह रहे हैं कि बुमराह को जो है वो ओपनिंग करनी चाहिए, पहला ओवर करवाना चाहिए, हालांकि अर्शदीप भी इक्वल जो है वो टैलेंटेड है। देखिए, बुमराह एक ऐसे प्लेयर है मेरे हिसाब से कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बॉलिंग करते हैं, तो शायद ऐसा माइंडसेट लोगों का इसलिए है कि शुरुआत में ही अगर 2-3 विकेट बुमराह ले लेते हैं तो आगे जाके मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और पाकिस्तान कुछ खास कर नहीं पाएगी। देखिए, जितनी बज इंडिया में क्रिएट हो रही है उतनी ही ज़्यादा मेरे को लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि क्या ऑब्वियस रीजंस है पाकिस्तान के। बाबर आजम इस वजह से सामने आए हैं और उन्होंने भी एक टिप्पणी करी है। बिल्कुल, बाबर आजम का जो है वो यही कहना है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली ने हारिस राउफ पर वो जो सिक्सेस लगाए थे तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को मैच जीत जाना चाहिए था लेकिन नहीं जीत पाए थे, मतलब दूसरी टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप की हार झेल सकती थी लेकिन नहीं झेली। और जहाँ तक इंडिया वर्सेज पाकिस्तान की बात है तो भाई बाबर आजम पर भी सारी निगाहें होंगी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बाबर और रिजवान शुरुआत में आउट कर दिए जाए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। बिल्कुल, बाबर आजम का कहना है, फॉर मी इन 2022 के वर्ल्ड कप की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वी कुड एंड शुड हैव वॉन द इंडिया गेम, दे टुक इट अवे। चलिए, तो देखते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 9 जून को होगा वहां पर किस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि लगातार इस बात की खबरें भी आ रही हैं कि जो ग्राउंड है
जो यूएसए का ग्राउंड है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा, अगर पिच को देखें तो फास्ट है लेकिन आउटफील्ड उसकी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया आयरलैंड को कितने मार्जिन से हराएगा, और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, क्या उन्हें तीसरे नंबर पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बैटिंग ऑर्डर किस तरह का होगा, आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं।